हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। और ये देखिए, आज हमने छत की साफ़ सफाई भी कर दी है। मौसम अच्छा है तो धूप नहीं है, हवा भी चल रही है, तो सारी साफ़ सफाइयाँ मैंने छत से कर दी है कि फूल पत्ते सब गिरते रहते हैं, बारिश में मिट्टी भी गिरती है, तो सारी सफाइयाँ मैंने कर दी हैं। और आज हम अपने गुलदाउदी के जो प्लांट हैं हमारे, मतलब प्लांट उन्हीं की देखभाल के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि बारिश में भीग गए थे तो पत्तियाँ भी वैसी ही थीं। आज मैं उनकी साफ़ सफाई कर रही हूँ और उनको मैं कहाँ पे मैं सेट करने वाली हूँ ये भी देखिए दोस्तों। और ये जो मैंने फट्टे से मैंने तैयार किया था, थर्माकोल का फट्टा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये वही है। इसमें मैंने मिट्टी भर के ये पॉट लाकर लगा दी है। और इधर मैंने ये जो ये मैंने कटिंग से ये ग्रो किए हैं वेस्टर्न पिटूनिया, ये मैंने रख दिए हैं। और इधर ये देसी वाले सदाबहार हैं, ये मैंने रख दिए हैं। और धीरे धीरे ही सारा कुछ हो रहा है। देखिए, धीरे धीरे करते करते गार्डन कहाँ से कहाँ तक आ गया है। एकदम से जल्दी से तो कोई काम नहीं होता, या फिर कोई और हमारे पास काम ना हो तो ये काम हो जाते हैं। ये सारे काम धीरे धीरे होते हैं। और ये मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए, वहाँ पे करेला की बेल फैल रही थी इसी के ऊपर, तो इनको मैंने यहाँ से मैंने हटा दिया। ये देखिए, सब अच्छे से पोर्टुला का ग्रो हो गई है, फूल भी खिलने लग गए हैं बिना पेंट किए भी। ये देखिए, खूबसूरत लग रही हैं। और ये है हमारे, देखिए सेवंती बोलते हैं इसको, और इसकी ही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और इनकी मुझे कटिंग्स भी लगानी है, तो मैं सोचा पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं इनकी कटिंग्स लगाऊंगी। और मैं कैसे कहाँ लगाऊंगी, इनको मैं कहाँ रखूंगी, मेरे पास बारिश से बचाने के लिए स्पेस नहीं है दोस्तों। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इनको बारिश से मैं बचा लूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी ख़राब कंडीशन में है ये। अगर इनको मैं साफ़ सफाई नहीं करूँगी तो इनमें फंगस लग जाएगी, और यहाँ पे तो बहुत थी। अभी मैंने सारा कुछ साफ़ किया है, क्लीन किया। ये जॉइंट थे, इन्हीं में ही गीला गीला फंसा हुआ था। और ये देखिए, रूट्स भी सबकी बाहर आ गई हैं। ये देखिए, सारी रूट्स बाहर हैं। इतने दिनों में इसने अपनी रूट्स इतनी फैला ली। कटिंग्स ही मैंने ये सब लगाई थी, और इस तरह से ये देखिए, इसमें भी रूट्स बाहर आ गई हैं। तो इनको सबको हमें फिर से सेट करना है, फिर से मुझे इनकी सबकी कटिंग लगा लेनी है, वरना ये सब बेकार हो जाएंगे। तो इनकी मैं, इन प्लांट्स की मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ। अभी ये भी है, वो भी है, इनकी सबकी मुझे क्लीनिंग करनी होगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, साफ़ सफाई में कितनी सारी सड़ी गली सूखी लीव्स निकली हैं, इधर निकली हैं, और फिर इधर के प्लांट्स की सफाई की थी तो ये सारी लीव्स निकली हुई हैं। देखिए कितनी सारी थी, देखिए बिल्कुल सड़ गई हैं, गल गई हैं, नीचे की सारी लीव्स जो हैं, ये देखिए इस तरह से देखिए सारी हटा दी हैं, ताकि खूब अच्छे से इनमें धूप लगे, हवा लगे, जिससे कि किसी प्रकार की फंगस का, कीड़े का कोई अटैक ना होने पाए। अभी तक तो कुछ भी नहीं है हमारे प्लांट्स में, सारे प्लांट स्वस्थ हैं। और बस इनको अब मैं ऐसी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे अब बारिश का ज़्यादा पानी नहीं आए, हल्का फुल्का आए, वरना मैंने इनको इसी लिए रखा है कि आगे हम गुलदाउदी के प्लांट्स इसी से तैयार करेंगे। और जो शेड हमारे पास नहीं है, वही शेड हम परचेज कर लेंगे बस। और तो इनको हमें सेफ रखना है, और इनकी रूट्स भी बाहर आ गई हैं, तो इनका एक्स्ट्रा ख्याल भी रखना है कि ज़्यादा पानी भी ना आए और ये सूखे भी ना, पानी की भी इनमें कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब देखो धूप भी आ गई है, अब तो काम कर पाना मुश्किल है कि मैं इनकी कटिंग्स मैं लगाऊं। अब मैं देखती हूँ, शाम को मैं इनकी कटिंग्स भी मैं लगा दूँगी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग
लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए साफ़ सफाई में कुछ ब्रांचेस टूट गई हैं तो इनको मैं लगा दूँगी। और यहाँ की पूरी साफ़ सफाई भी अभी मुझे करना है, ये भी उठा के रखना है दोस्तों। और टाइम भी बहुत हो गया है तो इसलिए मैं अब नीचे जा रही हूँ, अपने घर के भी काम मुझे निपटाने हैं। अब मैं ये काम मैं शाम को ही कर पाऊँगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।